हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसको आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, मतलब ये तीनों शेयर केमिकल सेक्टर से है। ये थोड़े मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जैसी कंपनी है, बट कंपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग मतलब पैरामीटर दिखा रहे हैं, तो आप इनमें बने रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आज अपन दूसरा शेयर कवर करते हैं। फ्रेंड्स, आज अपन जो शेयर की बात कर रहे हैं, मैं इसका नाम बाद में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं है, 5 डेज में 3% की रिटर्न है, 1 मंथ में 10% की रिटर्न है, 6 मंथ्स में देखेंगे 5%, जनवरी से अभी तक 11%, जैसे एक साल का करते हैं। देखिए, एक साल में कुछ भी कंपनी ने रिटर्न नहीं दी, 7% कुछ भी रिटर्न नहीं माने जाते, क्योंकि मार्केट और निफ्टी फिफ्टी इतना भाग रहा है। निफ्टी फिफ्टी ने 40% के रिटर्न दे चुके हैं एक साल में, तो ये शेयर अपन को सिर्फ 7% के रिटर्न दे रहा है। तो ये शेयर ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, आप इसका जैसे 5 साल का पैटर्न देखेंगे तो 343% के रिटर्न दिए हैं, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक 41,100 के रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी एक मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है ये इंडिया की। अब आप जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े उनको पता लग जाएगा, ये इंडिया की नंबर वन मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक है। कई लोगों ने गैस कर लिया होगा कौन सा स्टॉक की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कंपनी का 52 वीक हाइक देख सकते हैं कि कंपनी का 52 हाइक 2369 है, मतलब 2370 है, और 52 वीक का लो 1830 है। फ्रेंड्स, इस शेयर ने जिसने भी नाम मैं बता देता हूँ, तो फ्रेंड्स ये रिलायंस की बात कर रहा हूँ। रिलायंस एक अच्छा शेयर है, बट अभी एक साल से कॉन्सोलिडेटेड फेस में चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप से डील थी जो उनकी, वो तो कैंसिल हो गई। बट जो सऊदी अमेरिका से डील है वो दिसंबर तक, मुकेश अंबानी ने कहा था कि हम दिसंबर तक ये डील को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये डील अब फाइनल हो सकती है, क्योंकि वो एनुअल जनरल मीटिंग में बोला ही था उनने। तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़रें रखनी है आपको शेयर के ऊपर। जिसने भी शेयर को बाय नहीं किया तो इसको तो सबसे पहले फर्स्ट रडार पर यही रखना कि डेली इसका शेयर प्राइस देखना, अप्स एंड डाउन्स में क्या जा रहा है, क्योंकि ये जो शेयर है, क्योंकि अब ये अप्स में जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है इसकी, क्योंकि ये सऊदी अमेरिका से कभी भी न्यूज़ आ सकती है, कभी भी न्यूज़ से पता लगेगा कि ये डील फाइनल होगी। नेक्स्ट दिन देखेंगे आप 100-150% की जंप आ जाती है इस शेयर में। तो जैसी ही डील फाइनल होगी तो ये शेयर रॉकेट की तरह भागने लगेगा। तो आप इस शेयर के ऊपर बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब, जिसने भी पोजीशन नहीं बनाई है वो पोजीशन बना ले, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा ये रिलायंस, क्योंकि ये रिटेल का जो इनका बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। कभी इनने सितंबर मतलब कि अगस्त में 1000 स्टोर ओपन करे हैं स्मार्ट पॉइंट जो अभी रिलायंस जियो मार्ट उसके 1000 स्टोर ओपन किए हैं। नेक्स्ट मंथ सितंबर के इनके टारगेट हैं 800 स्टोर, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही, टोटल 1800 स्टोर ऐड ऑन कर रहे हैं ये अगस्त और सितंबर में। तो आप समझ सकते हैं कि 1800 स्टोर कितने होते हैं। तो आने वाले टाइम पे इन कंपनी को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो आप इनको बाय करके चलिए, बाय रेटिंग समझिए मेरी। मगर मैं रिकमेंड बोल नहीं रहा, वो आपका पैसा है, आपको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा, बट कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर में जा रही है। जो आप इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये नंबर वन कैपिटल स्टोर है बहुत सारा। तो फ्रेंड्स, अपन अभी कंपनी के सीधे बैलेंस पैरामीटर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो रेवेन्यू देख सकते हैं 305, 383, 305, 391, 569, 597, दिस टाइम अभी 466, मतलब कि थोड़ा कोविड का टाइम पे थोड़ा सा कम हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बहुत ही बड़ी है। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, बट वहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में रेवेन्यू कम हुआ था, बट प्रॉफिट देखिए कंपनी का बहुत शानदार बढ़ा है। तो आप वो देख सकते हैं 299,41,366, एक मतलब एक कॉन्सोलिडेटेड दे रहा है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट, रेवेन्यूज मेन नहीं होता है, प्रॉफिट मेन होता है, क्योंकि कंपनी का पैसा तो कब बना, बिजनेस तो करेगी, मेन पैसा बचाना हो सकता है। तो अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, ईपीएस, तो ईपीएस भी देखिए बहुत ही शानदार अच्छा दिखा रहा है, कुछ सर्वर इशू लग रहा है, ये देखिए अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब ये वो दिखा रहा है कि इतना फेस वैल्यू होने के बाद भी कंपनी अपने
उस रेवेन्यू और उसको कवर करके रखी है, पकड़ के बैठी। तो अब देख सकते हो पर क्वार्टरली वाइज भी देख सकते हो, 88253, फिर 11,000, मतलब 11161123915815 1548 1443, मतलब कंपनी का एक रेवेन्यू है जो पैटर्न में अप स्ट्रेंड में ही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है मगर बढ़ रहा है। देखिए जून, लास्ट जून का था 88 और अभी 14, मतलब कंपनी एक ऑफकोर्स 75% की ग्रोथ दे चुकी है अपने शेयर होल्डर को। मतलब नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 12926, अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं 12926 से 18.96 हो गया। एक चीज़ बहुत अच्छी है इस कंपनी की, आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपने अपने धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मतलब जून लास्ट टाइम पे 50.37 था, फिर 50.49, फिर 50.4, मतलब हर क्वार्टर में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा मतलब जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है धीरे धीरे। यही बहुत अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में इनको पता रहता है कि कंपनी में क्या हो सकता है, इनको पता है कि कंपनी का थोड़े टाइम बाद शेयर ऊपर जाएगा। मुकेश अंबानी ने बीच में भी 2019 के आस में बहुत ज़्यादा स्टेक उठाया था अपनी कंपनी में, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर ही एक साल बाद न्यूज़ आ गई थी कि वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो उसके देखिए 1,000 का भी शेयर नहीं था जो अभी 2,000 के ऊपर चल रहा है। मतलब कि कंपनी के प्रमोटर को मेन पता होता है कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर कंपनी में। तो आप FIS का भी डाटा देख सकते हैं, FIS ने भी अच्छी खासी 25% की होल्डिंग रखी हुई है, DIS की होल्डिंग भी अच्छी हो गई, DIS का 13% की होल्डिंग है। पब्लिक ने देखिए पब्लिक से माल कैसे ले लेते हैं, तो अभी पब्लिक से ज़्यादा माल नहीं लिया है, 11.09 से 11.03 हो गए। मतलब जहाँ पे भी ये सब माल उठाएंगे ना तो ये तो पब्लिक के पास माल कम होगा, फिर तो क्या होगा, कई लोग जो प्रमोटर है वो माल खरीद रहा है, FIS माल खरीद रहा है, DS माल खरीदे, मगर माल तो कम है, 100% माल है। तो अभी क्या करेंगे, अभी कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है तो कई रिटेल इन्वेस्टर होंगे जो बेच रहे होंगे बहुत ज़्यादा। मतलब ये आप समझ सकते हैं 6% भी गिर रहा है ना तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। मतलब यहाँ तो देखिए 10% 11% हो गया था। तो ये मतलब ये जब माल बेच रहे हैं ना तो ये सब बाय कर रहे हैं प्रोमोटर, DIS है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब भी प्रोमोटर DIS और FIS माल खरीद रहे हैं तो मतलब आपको भी खरीद के रखना है और उसको होल्ड करना है। क्योंकि लोग क्या होता है जैसे ही कंसोलिडेटेड फेज देखा रेट रिटर्न नहीं दे रहे, एक साल में 7% रिटर्न क्या होते हैं बोलते, शेयर मार्केट इतना रिस्क लेके आ रहे हैं अपन, तो इतने रिटर्न का कोई यूज़ नहीं होता। तो इसी कारण से कई होंगे बेच के निकल जाएंगे, फिर 5-10 न्यूज़ आएगी कंपनी बहुत ही तेज़ भागेगी तो सब बोलेंगे कि अरे मेरे साथ से निकल गए। यही चीज़ होती है कि कंपनी का हमेशा कंपनी के साथ हमें बने रहना चाहिए। तो आप कंपनी के बैलेंस शीट में आ गए तो कंपनी की बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, कंपनी का पहले 285 था, फिर 308, फिर नाउ 398, 384, मतलब कंपनी के रिजर्व देख सकते हैं नाउ 468038, मतलब कंपनी के रिजर्व बहुत ही शानदार बढ़ रहे हैं। ये कभी भी अपने शेयर होल्डर को बोनस बायबैक कुछ भी दे सकते, ये कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, बट कंपनी के पास इतना पैसा है तो इन फ्यूचर ना कुछ तो देंगे अपने शेयर होल्डर को, क्यों इतने पैसे रख के क्या करेंगे ये, बट और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर कर्जा है, यस बहुत ज़्यादा बड़ा कर्जा है, बट कर्जा इनका कोई वो नहीं चलता, आप देख सकते 78 81 118 194 160, मतलब कंपनी का कर्जा देखिए 1,60,000 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, बट कंपनी के पास कितना कैश है कि वो अपने आप को कभी भी डेब्ट फ्री कर सकती है। इसीलिए अपने स्टेक बेचा था इनने 2020 में कि अपने आप को डेब्ट फ्री कर सकती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी कंपनी के ऊपर कर्जा है 33,000 करोड़ का, थोड़ा सा कम हुआ है इसमें और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी देख लेते तो यस कंपनी ऊपर कैश है 175 231 37688 4855 73, बट कंपनी अपने आप को मेंटेन कर रही है। कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है बट प्रॉफिट भी है जो कंपनी का वो ऊपर बढ़ रहा है, तो जिस कारण से कंपनी का शेयर होल्ड बाय कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए इनका प्रॉफिट लॉस पे आ रहा है और कर्जा बढ़ रहा है तो ये बहुत गलत निशान होता है कोई भी शेयर में। आप ये याद रखना कि कोई भी शेयर में अगर प्रॉफिट नीचे आ रहा है और लोन बढ़ रहा है तो वो बहुत गलत बात होगी, तो उसमें आप बच के रहिए वो शेयर से। फ्रेंड्स कंपनी के अपन सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि 2010 से मिलेगा आपको डाटा,
तो 2010 में ये सेल है, ये एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मेन अपन आप चलते हैं लेकिन साथ साथ में तो आप देख सकते हैं सेल्स 2083, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22042, तो अपन दोनों चीज़ पढ़ते चलेंगे। 22042 2011 में 3826233 333 34 37 41 41 के बाद आपका 46 64, 2019 में 84, 2020 89, 21 में 80, और अभी का मतलब कि लास्ट ईयर को भी कवर कर चुके हैं। 88 मतलब कि एक ही क्वार्टर में 87 193 हो गए, जो अभी का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। TTM लिखा है, टिन टिन मंथ लिखा है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख सकते हैं आप। फाइनल तो कंपनी का एक टाइम में 28,000 था, फिर 24,000, 25,000, 26,000, 28, 31, 38, 40,000, 40,000, 55, 53, 55, नाउ 59 का बिफोर टैक्स, मतलब जो कंपनी को बच रहा है बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट 24,000 का जो फाइनल है वो कंपनी का 48 हो गया, मतलब कि 10-11 साल में कंपनी ने अपना प्रॉफिट को डबल कर दिया है। इसमें आपका एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग, पहले 2018 में 47 था प्रोमोटर की, जो अभी धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के हर देखें हर क्वार्टर में नहीं बाइंग कर रहे हैं। 47 था 18 में, फिर 47.19, फिर 47.27, फिर सीधे 50 हो गए सितंबर में। मतलब ये धीरे धीरे अपना माल खरीद रहे थे, 50 अभी ना हो 59, चार चार जो 0.4 की भी ग्रोथ है ना, ये अरबों खरबों की डील है, आप ये समझ सकते हैं। तो FIS भी देख सकते हैं कि FIS की होल्डिंग 24 की 25 हो गई, थोड़ी सी बड़ी। DIS की होल्डिंग 11 से 13, गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत ही कम है, ना के बराबर है। पब्लिक की होल्डिंग 16 से 11%, मतलब देखिए पब्लिक माल यहाँ बेच रही, बाकी सब माल उठा रहे हैं। तो यही एक ख़राब निशानी होती है कि जो भी अच्छे शेयर होते हैं ना, वहाँ पे लोग अपने रिटेल इन्वेस्टर को डरा के उनसे माल खरीद लेते हैं, फिर बाद में वो पूरा प्रॉफिट का एंजॉय करते हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर की गलती क्या रहती है, वो टाइम नहीं देते। अभी एक साल में कितने लोगों ने होंगे ऐसे कि जिनने पेशेंट नहीं दिखाया होगा, निकाल के बेच के निकल जाएंगे। बट आने वाले आप देखेंगे 5-6 महीने में ये शेयर कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, फिर उन लोग बोलेंगे, उस टाइम वो हाई में जाके बाय करेंगे और फिर बोलेंगे प्रॉफिट नहीं बनता। तो यही होता है कि अच्छे शेयर में पहले से पोजीशन बना के रखनी चाहिए, जो इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये कौन सा शेयर ख़राब है या बहुत नामी गामी, इनको मोनोपोली इन्जॉय करता है, गवर्नमेंट से भी इनको मोनोपोली है कि गवर्नमेंट मोनोपोली ये है कि इनका BJP के साथ बहुत ही अच्छी मेल चाल मेल है। तो आप इन फ्यूचर शेयर में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। तो वी विल अनदर वीडियो।